वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दी आज के वीडियो में इतना ज़्यादा सज धज के तैयार क्यों हो रखी है। भाई माहौल ही कुछ ऐसा है, ओकेजन ही कुछ ऐसा है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ बायोलॉजी एटीज। अच्छा, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड सुबह सुबह कर रही थी तो मेरे घर वाले कह रहे थे लड़की पागल हो गई है क्या, सुबह सुबह क्यों तैयार हो रही है, सेलिब्रेशन तो रात को होता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी एक फैमिली है जो कि स्क्रीन के उस ओर भी इंतजार कर रही है कि मैं उनको विश करूं। तो इसीलिए आज थोड़ा सा रेडी होकर सोचा कि आप सभी को विश किया जाए। साथ ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस सोच में हैं कि दिवाली की वजह से उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, रिलेटिव्स घर में आ रहे होंगे जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि विश करने के साथ साथ आपके लिए दिवाली स्टडी प्लान भी रेडी करूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर नीट एग्जाम की बात करें। दिवाली सिर्फ 2 दिन की होती है और जहाँ तक मुझे पता है दिवाली सेलिब्रेशन रात को ही होता है। मान सकते हैं कि आपके घर पे भी रिलेटिव्स आ गए होंगे जिसकी वजह से आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। तो कोई बात नहीं, दिवाली को डिस्ट्रैक्शन की तरह मत लीजिए, दिवाली को अपना स्टडी ब्रेक जैसे हम लेते हैं ना उसी तरीके से लीजिएगा। जब भी मैं टाइम टेबल वीडियोज बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए स्टडी ब्रेक सकती हूँ कि आपने अगर 40 मिनट पढ़ लिया है तो 10 मिनट का स्टडी ब्रेक लीजिए, 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट का स्टडी ब्रेक लीजिए। उसी तरीके से दिवाली को भी डिस्ट्रैक्शन ना समझते हुए अपना स्टडी ब्रेक समझिएगा और एक ऐसा ब्रेक जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाने पर वर्क करेंगे, एक ऐसा ब्रेक जिसमें सिर्फ घर की सफाई नहीं होगी मन की सफाई पर भी वर्क करेंगे ताकि एक अच्छा वर्जन अपना लेकर आए सामने। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दिवाली के दिन आप पढ़ाई के साथ साथ दिवाली सेलिब्रेट भी करें। ऐसा ना हो कि दिवाली सेलिब्रेट नहीं करें ये सोच रहे हैं कि नीट क्रैक करना है इसीलिए दिवाली तो सेलिब्रेट करूंगा ही नहीं, दिवाली तो अगले साल आ जाएगी। अगले साल दिवाली आएगी लेकिन अगले साल की दिवाली 2021 की दिवाली होगी। 2020 की दिवाली क्यों मिस कर रहे हैं आप लोग? दिवाली थोड़े टाइम के लिए सेलिब्रेट करिएगा, थोड़ा शुभ करने के लिए सही, लेकिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट जरूर करिएगा। आप खुद भी अगर रात को अपने घर की बालकनी में जाए या फिर टेरेस पे जाए या फिर बीच रोड में खड़े हो जाए तो आप देखेंगे कि चारों ओर कितना सुंदर हो रखा है, इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। इसी वजह से मुझे दिवाली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ पल के लिए ही सही, हर कोई अपनी लाइफ के छोटे मोटे जितने भी गम वो मन में बिठाए बैठे हैं थोड़े पल के लिए भूल जाता है। और ये दिवाली फेस्टिवल ना सिर्फ बिल्डिंग्स को रोशन कर लेता है, कहीं ना कहीं लोग इतनी अच्छी वाइब्स इस टाइम कैरी करते हैं जिसकी वजह से कोई भी हमारे आसपास होगा ना वो हमें अच्छा अच्छा लगने लग जाता है, ये चीज़ मुझे लगती है। इसीलिए मुझे दिवाली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने स्टडी रूटीन में 2 दिन तक आपको क्या करना है, सिर्फ मिनिमम 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम निकाल लीजिए आप खुद के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आए हुए हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लीजिए या फिर लेट नाइट को पढ़ लीजिए, लेकिन इन 2 दिन प्लीज़ आप लोग 2 घंटा तो ज़रूर पढ़िएगा ताकि ये ना लगे कि हमारी प्रेपरेशन का फ्लो टूट चुका है। उसके बाद जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो आप दिवाली से पहले पढ़ रहे थे, 1 दिन पहले, दिवाली से ठीक 1 दिन पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करिएगा। दिवाली के 1 दिन बाद आप लोग वो चीज़ रिवाइज करोगे जो कि दिवाली से 1 दिन पहले आप पढ़ रहे थे, ताकि वापस से वो कनेक्शन आ जाए पढ़ने वाला और वापस से आप पढ़ना शुरू कर दें। तो दिवाली को डिस्ट्रैक्शन की तरह मत सोचिएगा, दिवाली को अपना स्टडी ब्रेक लीजिएगा और 2 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा। बस 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल दीजिएगा ताकि ये रिग्रेट ना रहे कि ये फेस्टिवल क्यों आ गया, मेरी तो पढ़ाई हो ही नहीं पाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग कई बार ना लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि ठंड आने लग गई है तो ठंडियों में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जब तक वो चाय का ग्लास हाथ में ना आए या फिर कॉफी का मग हाथ में नहीं आए मेरी नींद नहीं भागती है। इन सारे एक्सक्यूजेस को अगले 4-5 महीने के लिए अवॉइड करना है। तो इस दिवाली, सिर्फ दिवाली ही नहीं, इस दिवाली से अपने अंदर खूब सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज लानी है ताकि हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सके। साथ ही आप सभी क्योंकि मेरी फैमिली की तरह है तो मैं आप सभी को थोड़ी सी एक सलाह दूंगी कि इस दिवाली सिर्फ अपने घर की सफाई ना करें, अपने मन की भी सफाई करें, अपने मन से डाउट्स डर हटा दें और उसे फेथ, ट्रस्ट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेशन, इन सभी चीज़ों से रिप्लेस करें। क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ प्रेपरेशन की ही जरूरत नहीं पड़ती है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद पर भरोसा भी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं डिजर्व करता हूँ डॉक्टर बनना, मैं डिजर्व करता हूँ बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। अपने आप को डिजर्विंग समझिएगा तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इस दिवाली से लेकर अपनी जिंदगी की लास्ट ब्रेथ तक अपने आप को हर खुशी का हकदार मानिएगा। जिस तरीके से आपके घर में सफाई चल रही है उसी तरीके से अपने मन की भी सफाई करिएगा। अपने मन से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी डाउट डर वाले थॉट्स हैं उन्हें हटा दीजिएगा और उन्हें खूब सारे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क,
काइंडनेस, इन सारे अच्छी अच्छी क्वालिटीज से भरिएगा, क्योंकि यही सारी क्वालिटीज है जो कि आपको सक्सेसफुल इंसान बनाती है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये फैमिली बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। जिस तरीके से आप मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, मेरी वीडियोज पर हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते आए हैं, प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग मेरी बैकबोन है। आप मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके, भले ही हम स्क्रीन के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन आप लोगों से जो ये कनेक्शन बढ़ गया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ये कनेक्शन कभी भी ना टूटे। और हर दिवाली मैं आपको खुशी के साथ विश करूं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, बहुत ग्रेटफुल हूं, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोगों को पता भी नहीं आपने क्या किया है जिसकी वजह से मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। आज मैं प्राउडली कह सकती हूं कि मेरे पास एक यूट्यूब फैमिली है जिसमें मेरे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें मेरे 2 लाख से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, एंड यू ऑल मीन अ लॉट टू मी। सो आप वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी की जिंदगी में खूब सारी खुशियां मिले। जिस भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है जिसको लेकर आप हर रात सोते हैं कि मुझे गोल अचीव करना है, वो गोल पूरा हो। आपके एफर्ट्स इस दिवाली के बाद से और ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव होते जाए ताकि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा हो। नीट 2021 आप लोग अच्छे से क्रैक करें, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाएं, खुद की नजरों में खूब बड़ा इंसान बने। और याद रखिएगा, सिर्फ पैसे से खुद की सक्सेस मत तोलिएगा, आपको एक बहुत अच्छा इंसान भी बनना है। सबकी हेल्प करें, सब बहुत अपनी स्माइल से और लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जिस तरीके से हम दिवाली में दिया जलाकर अपनी सराउंडिंग को बहुत सारी रोशनी से भर देते हैं, उसी तरीके से अपनी स्माइल, अपनी काइंडनेस, अपने अच्छे बिहेवियर से और लोगों की लाइफ में भी खुशियां स्प्रेड करें। तो मेरा दिवाली का मैसेज तो आप सभी के लिए यही है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि इस दिवाली आप अपने में क्या इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं। एक क्वालिटी अपनी मेंशन करिएगा, जैसे कि मैं इस दिवाली से खुद को प्रॉमिस कर रही हूँ कि जितना हो सके, जितना मुझसे बन पाएगा, अपना इंसान होने का फ़र्ज निभाऊंगी और जितना हो सके लोगों की हेल्प करूंगी, ताकि अगर मेरी प्रेजेंस की वजह से किसी की लाइफ इंप्रूव होती है तो उससे बढ़िया अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा। यूट्यूब के जरिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं आप लोगों को सजेशन प्रोवाइड कराती हूँ, आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने में अगर मेरा थोड़ा सा भी रोल प्ले हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि इस दिवाली से अपने अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स, और भी ज़्यादा अच्छी वाइब्स लेकर आऊँ, अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ, ताकि अगर मेरी वजह से लोगों की हेल्प होती है तो और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग कौन सी अच्छी क्वालिटी पर वर्क करेंगे इस दिवाली से। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भी विश करिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हूँ मैं। आप लोगों के लिए तैयार हुई हूँ सुबह सुबह। तो हैप्पी दिवाली बायोलॉजी एटीज फैमिली। Keep growing, keep supporting, stay blessed everyone. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you. Happy Diwali.